तो गाइज आप लोग देख ही रहे होंगे मेरे को बहुत ज़्यादा हेट कमेंट आ रहा है। मैं क्या ही बोलूँ गाइज, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मतलब लोग आके गालियाँ दे रहे हैं, तो मतलब समझ सकते हो ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई गाइज। मैं क्या बोलूँ, मेरे को स्ट्राइक नहीं मारना चाहिए था यार, यही गलती हो गया स्ट्राइक। क्योंकि मेरे को ये समझना चाहिए था, अगर बॉस ऑफिशियल चाहता वो भी मेरे पे स्ट्राइक मार पाता, या B2YT जो उसका दोस्त है वो भी अगर चाहता मेरे पे स्ट्राइक मार पाता, बट उन लोगों ने नहीं मारा, बट मैंने मार दी। यही मेरी गलती हो गई गाइस, मेरे को ना स्ट्राइक मारना नहीं चाहिए था। और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा हेट आ रहा है, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। लोग गालियाँ दे रहे हैं, लोग मेरे को मेल करके गालियाँ दे रहे हैं, सारे बंदे मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि तूने स्ट्राइक मार दी, उसकी चैनल डिलीट हो जाएगी। मैं क्या ही बताऊँ गाइस, मैं दिल से भाई बॉस भाई को और बिट्टू भाई को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि यार मैं आगे से ऐसी कभी नहीं करूँगा, और कॉन्ट्रोवर्सी से दूर की बात मैं किसी मैटर पर कभी बात नहीं करूँगा। मैं क्या ही बोलूँ यार, इन लोगों ने मेरा इतना एक्सपोज किया है ना, मैंने कभी कभी सोचता हूँ कि यार इतना अभी हेट मिल रहा है मेरे को कि चैनल वैनल डिलीट करके मैं क्यों आया भाई, फिर से चला जाता हूँ, चैनल डिलीट कर दूंगा यार, क्योंकि मैं पहले भी डिप्रेशन में आ गया था एंड मैंने पहले भी चैनल डिलीट की थी, एंड मैंने ये बताया भी था मेरे डिस्कॉर्ड पे सबको। तो भाई इतना हेट मिल रहा है मेरे को नहीं पता था कि बॉस भाई का इतना मतलब सपोर्टर हैं यूट्यूब में, मतलब अच्छे काम किए होंगे बहुत पहले, मैं नहीं जानता ना उतना, तो मेरे को पता नहीं था कि इतने सपोर्टर उनके तरफ से हैं। बहुत सारी धमकियाँ भी आ रही है मेरे को गिरना की तरफ से कि वो लोग स्ट्राइक मार देंगे अगर मैं स्ट्राइक नहीं हटाता। तो मैंने तो सबमिट कर दी स्ट्राइक हटाने वाला जितने भी कुछ था, और आगे से मेरे क्या ही बताऊँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसी गलती मेरे से कभी ना होगा। आप लोग जो भी देख रहे हो यार, ये मैसेज को ज़रूर दोनों के पास पहुँचा देना यार, आप लोग भी माफ़ कर दो यार, मैं आगे से ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। मेरे को ये समझना चाहिए था, अगर कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है तो यार उनकी रिप्लाई में वीडियो बना सकते हैं, उनको स्ट्राइक मारना ज़रूरी नहीं है। यही गलती हो गई, मेरे को भी सेम टू सेम रिप्लाई देना चाहिए था, बट मैंने गलती कर दी स्ट्राइक मार के, क्योंकि मेरे को गाइस कॉन्ट्रोवर्सी करना आता नहीं उतना अच्छे से, इसलिए मैं स्ट्राइक मार दिया गलती से। मैंने सोचा कि मैं इतने सारे पॉइंट वो बता रही है, मेरी चट्टी खोल के दिखा रही है, तो मतलब मेरा पोल खोल के मैं क्या करूँ, इसीलिए मैंने स्ट्राइक मार दी गाइस। भाई आप लोग जितने भी देख लो गाइस, सब लोग मेरे को माफ़ कर देना, एंड पता नहीं बॉस भाई के ऊपर क्या बीतरी होगी। मैं पिछले दिन देखा उनके वीडियो, मेरे को बहुत बुरा लगा। मैं DC में भी आजकल नहीं आता गाइस, आप लोग देख रहे होंगे, दो दिन से DC में आई हूँ, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। मैं जिस ऑर्ग में हूँ, ऑर्ग वालों ने मेरे को स्पॉन्सर दे के रखे हैं, वो लोग मेरे को फोर्स कर रहे कि स्पॉन्सर की वीडियो की टाइम आ चुका है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, इस वजह से मेरे को स्पॉन्सर करना पड़ रहा है। फिर भी मैं उन लोगों को बोला कि यार मैं कंटेंट चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट ये कंट्रोवर्सी की वजह से कंटेंट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए उसी कंट्रोवर्सी के बीच में मेरे को स्पॉन्सर करना पड़ रहा है। बट फिर भी मैंने स्काई की कोई भी वीडियो में मैंने स्पॉन्सर नहीं की, और ऐड तो भाई ऑन ही नहीं किया। तो यार मैं क्या ही बोलूँ यार, और चलो कोई ना, मैंने यार फिर भी यार छोड़ो, सारे बंदे जो भी यार देख रहे हो यार, बॉस भाई सॉरी यार, बॉस भाई को जरूर बताना कि GSK भाई ने ऐसा वीडियो बनाई है, एंड दिल से सॉरी गाइस। और मैं नहीं कर रहा भाई, कल से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा मैं और कभी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, मैं चैनल सेल कर दूँगा या डिलीट करके चला जाऊँगा गाइस। क्या ही बात हो गाइस, मेरे को इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब कोई किनारा नहीं बचा यार, लोग कितने खराब समझ रहे हो मेरे को भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। एक बंदे की करियर है मेरे खुद का 1 मिलियन बनाते बनाते ज़िंदगी बितर गई, और उस बंदे का 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर है, और मैं उसकी करियर खाने में उठा हुआ हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी गाइस, हो सके तो मेरे को माफ़ कर देना जितने बंदे देख रहे हो गाइस।
मैं नहीं कर रहा गाइस, मैं यूट्यूबर नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा भाई, मैं नहीं कर रहा।